नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। पहले पटना, फिर बेंगलोर और उसके बाद मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक, उसके बाद दिल्ली पहुंची इंडिया गठबंधन की बैठक। अब दो बैठकों और समझौतों के बाद आखिरकार इंडिया गठबंधन ने अपना संयोजक चुन लिया है। क्या पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। पांच बैठकों और अनगिनत वन टू वन करने के बाद आखिरकार आखिरी वर्चुअल बैठक में इंडिया ने अपना संयोजक चुन लिया। जी हां, विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने आखिरकार अपना अध्यक्ष चुन लिया है और जिसके नाम पर सहमति बनी है उनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। यह फैसला शनिवार को वर्चुअल बैठक में लिया गया, जिसके बाद से अब कहा जाने लगा है कि अब मुकाबला मोदी बनाम खड़गे होगा। जानकारी देते चले कि पांचवी बैठक में 14 पार्टियों के नेता शामिल हुए। सभी नेताओं ने खड़गे के नाम के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन बैठक में सबसे पहले कांग्रेस ने जेडीयू नेता नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने का प्रस्ताव पेश किया था, जिसका सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी ने समर्थन किया, लेकिन नीतीश कुमार ने यह पद लेने से इनकार कर दिया और कहा कि हमें पद की लालसा नहीं है, हम चाहते हैं कि जमीन पर मजबूती के साथ गठबंधन खड़ा रहे। फिर सभी नेताओं ने आम सहमति से मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना नेता मान लिया। इस वर्चुअल बैठक में ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे शामिल नहीं हुए। पहले अटकलें थी कि नीतीश कुमार भी नहीं आएंगे, लेकिन वो बैठक में शामिल रहे। आपको जानकारी देते चलें कि इंडिया गठबंधन का फेस ही विपक्ष का नेता होता है और वही पूरी पार्टी का नेतृत्व करेगा और मोदी से मुकाबला करने के लिए वही आगे भी रहेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ऐसे ही सामने नहीं आया। पिछली बैठक में केजरीवाल और ममता बनर्जी ने इस नाम का अनुमोदन किया था, जिसके बाद वर्चुअल बैठक में फाइनल किया गया कि कौन हमारा नेता होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे बढ़ाने का इन दोनों नेताओं का तर्क था कि खड़गे जी दलित समुदाय से आते हैं, पीएम फेस बनेंगे तो विपक्ष को फायदा होगा। लेकिन वहीं कुछ लोगों का कहना है कि खड़गे भले ही अध्यक्ष बने, पीएम नहीं बन सकते हैं और इसके पीछे उनका तर्क है कि गठबंधन का अध्यक्ष होना अलग बात है, पीएम पद के लिए दावेदारी करना बिल्कुल अलग बात है। हम आपको इसे एक उदाहरण से समझाते हैं। जब यही गठबंधन यूपीए था तो उसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी, लेकिन पीएम मनमोहन सिंह बने, इसलिए गठबंधन का अध्यक्ष बनाए जाने से कोई पीएम उम्मीदवार बन जाए ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन जनता अध्यक्ष को ही पीएम पद की उम्मीदवारी के तौर पर देखती है, इसलिए गठबंधन का अध्यक्ष बनना बहुत बड़ी बात हो जाती है और गठबंधन का अध्यक्ष इसीलिए बनाना भी पड़ता है। जानकारी देते चलें कि बीजेपी इंडिया गठबंधन पर हमला करते हुए कहती थी कि कौन है जो मोदी से मुकाबला करेगा। अब बीजेपी का मुंह बंद है और इंडिया गठबंधन ने अपना अध्यक्ष चुनकर पहला पड़ाव पार कर लिया। अब आज सीट शेयरिंग की है, जिसमें महाराष्ट्र और बिहार का मामला लगभग तय है। आम आदमी पार्टी से दो राउंड की बात हो चुकी है और यूपी और बंगाल पर बात बनना अभी बाकी है, लेकिन सूत्रों की माने तो यूपी में भी लगभग बात बन चुकी है और सपा 30, बीएसपी 30 और कांग्रेस 20 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर बवाल मचा है, लेकिन गठबंधन के नेताओं को विश्वास है कि वो ममता बनर्जी को मना लेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब, दिल्ली जैसे राज्यों में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय करना विपक्ष के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, झारखंड में सीट शेयरिंग का मामला जो है लगभग हल हो चुका है। बस आम आदमी पार्टी और टीएमसी में मामला अटका है। देखना दिलचस्प होगा कि आके सीट शेयरिंग का जो मसला है वो क्या कुछ नया मोड़ लेता है, कुछ नया रुख अख्तियार करता है, या फिर वो आराम से सीट शेयरिंग सभी पार्टियों के बीच हो जाती है। वैसे खड़गे जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के संयोजक बनाए गए हैं उस पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।